अब तक आपने आदमियों की नसबंदी के लिए शिविर कैंप लगा देखा होगा, लेकिन गया में आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए शिविर लगाया गया है। शिविर में 500 आवारा कुत्तों की नसबंदी का टारगेट रखा गया है। सिक्किम सरकार के पशु चिकित्सक ने इस कैंप का आयोजन किया। इस कैंप की खास बात ये कि आवारा कुत्तों की नसबंदी करने के लिए देश से ही नहीं विदेश से भी डॉक्टरों को बुलाया गया है। वहीं डॉक्टरों ने बताया कि इस कैंप में सभी जानवरों की बीमारी का इलाज भी किया जा रहा है। इसके साथ ही आवारा कुत्तों को भी रेबिस का टीका लगाया जा रहा है। ये सब एनिमल के लिए है, ये सिर्फ कुत्ते के लिए नहीं है। हम लोग विलेज में जाके एक हमारा थ्री टीम है, एक टीम यहाँ पे कुत्ते का ऑपरेशन कर रहा है। जो बीमारी कुत्ते है, किसी का बाल झड़ गया, किसी को ऐसा घाव है, ये सब कुत्ते को पकड़ के लेके आगे इधर को ट्रीटमेंट कर रहा है। और कोई और ABCR बोलने से नसबंदी का भी काम कर रहा है, और रेबिस जो पागल नहीं हो इसलिए वो दवाई वगैरह सब दे के फिर जहाँ से लिया वहाँ पे छोड़ रहे हैं। एक यहाँ पे काम कर रहा है, एक टीम है जो विलेज में जाके वहाँ में दवाई दे रहे, जो बीमार गाय भैंस है उसके लिए कर रहे। एक टीम है जो स्कूल में जाके बच्चों को सिखाते कैसे पशु के साथ व्यवहार करे, व्यवहार पशु को कैसे अच्छे से रखे, ये सब सिखा रहे। कुत्ते का नसबंदी इसलिए कि आप ही बताओ, ये रास्ते का कुत्ता है, ये किसी अपना घर का नहीं है ना, कोई कुत्ते को रखना नहीं चाहता है ना। तो ऐसे रास्ते में खाना दिया, ये पूरा बच्चे पैदा करेगा, फिर वो बच्चे को अच्छे से खाना नहीं मिलने से वो बीमारी होगा, फिर वो किसी को काटने से ना, बहुत कुत्ता हो गया तो आदमी को काटने लगेगा, आदमी का बच्चा, जैसे आप लोग सुना होगा दिल्ली में या पेपर में पढ़ते हैं ना, किसी का बच्चे उठा लिया, किसी को काट रहे हैं ना, ये डॉग बाइट प्रिवेंशन के लिए हम नसबंदी करते हैं, क्यों, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल रहा है। क्योंकि हम लोग रोज़ इधर नहीं रहते, साल में एक ही बार आते हैं, एटलीस्ट आपका ये पॉपुलेशन ना कम हो जाए या एकदम नियंत्रण हो जाए। जैसे अभी बुद्धगया में आप देख रहे हैं कि हम पहले आए तो ये टेम्पल में कितना कुत्ता था, में हमने वो नोच किया है, कान है ना, ऐसा कान काटा है, आप अगर दिखने से ना एक कान काट के हमने दिया है। जैसे इधर गले में हम कुछ नहीं डाल सकते ना, कोई निकाल देगा, लेकिन उसका कान काट दिया तो ये वी शेप नोच किया है कान में। So we're running the Kagyumunlam Animal Medical Camp, which is a free charitable camp for all the animals in the Bodhgaya area. Today here is the operating theatre where we're doing street dog sterilization and anti-rabies vaccinations. That's ABCAR. That's to stop the dogs having babies and to stop them spreading rabies around to people and other dogs. So we go and pick up the street dogs and bring them here. And then we give them an operation, and then next day after they eat a good meal, we take them back to where we found them and release them back to that place only. So we have very experienced dog catchers and para vets who come from Sikkim, and also our very experienced veterinary doctors come from Sikkim and volunteer their time each year from the Animal Husbandry Department of Sikkim. And they are very experienced in catching the dogs. They're very good at it. They can normally do it by hand, but if they need help, they have a big net that they can catch the dog in a net. And then they put them in the back of a jeep inside a cage and bring them here. आपको बता दें कि शहर में बढ़ रहे आवारा कुत्तों के आतंक को देखते हुए जिला प्रशासन और सिक्किम सरकार के सिक्किम एंटी रेबिज एनिमल हेल्थ डिवीजन ने इस पहल की शुरुआत की है, ताकि भविष्य में आवारा कुत्तों से होने वाली परेशानियों से निपटा जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से अजीत की रिपोर्ट।